हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निमास किचन। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी चाउमीन, जो कि खाने में बहुत ही डिलिशियस लगती है। अक्सर जो ठेलों वगैरह पे मिलती है, खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बिल्कुल वैसे ही नूडल्स आज हम घर में बना के रेडी करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम नूडल ले ली है, ये मैंने अच्छे से बॉईल कर ली है। पानी को पहले अच्छे से गर्म कर ली हूँ, फिर उसमें एक चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल करके नूडल को 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल कर लें। और फिर इस तरीके से आप इसको हल्का सा प्रेस करके देखें, इसमें हल्का सा दाना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक की हुई नूडल्स नहीं होनी चाहिए। नूडल्स को बॉईल होने के बाद आप इसे छान लें, छानने के बाद आप इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके इस तरीके से रख दें, जबकि आपकी नूडल्स बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी। तो चलिए अब नूडल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, आप कोई भी कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई या एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है, मगर अगर आप कोई लोहे की कढ़ाई या एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज़ करें तो पहले उसको ऑयल डालकर अच्छे से छना कर लें, तभी आप उसमें नूडल्स वगैरह बनाएं। 3 से 4 चम्मच ऑयल डालने के बाद छोटी वाली चम्मच खाने वाले चम्मच से छोटी वाली चम्मच डालना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वेजीज ले ली है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीजों को डालने के बाद आप इसे हाई फ्लेम पर आधा मिनट के लिए हल्का सा भून लें। जैसे ही लहसुन हल्का सा भूनना भून जाए, हम इसमें एक लंबी कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें आधी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और आधी लंबी कटी हुई गाजर भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, जब तक कि हल्की सी सब्जियों में सॉफ्टनेस नहीं आ जाती। तो बस अब आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं वो काफ़ी अच्छे से भून गई हैं, काफ़ी अच्छे से सौते हो गई हैं। तो बस अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी भी डाल देंगे। और इन सारी सब्जियों को डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूने। जब भी आप नूडल्स या कोई भी चाइनीज का आइटम बनाएं तो उसे हमेशा हाई फ्लेम पर बनाएं, उससे उसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं पत्ता गोभी भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब बारी है इसमें नूडल्स डालने की। तो जो नूडल्स हमने बॉयल करके रखी थी वो हम सारी इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, लगभग 1/2 चम्मच के जितना। और 1 चम्मच हम इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे। आप इसकी जगह पे टोमेटो सॉस या ग्रीन चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर तब तक मिलाएं जब तक कि नूडल्स अच्छे से पूरी से मिक्स नहीं हो जाती। तो बस अगर आप चाहें तो आप किसी फोक की मदद से भी आप इसको आराम तरीके से बिल्कुल मिला सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने दो फोक लिए और उसको आराम आराम से पूरा उछाल उछाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। क्योंकि हम मार्केट जैसे नूडल्स बना रहे हैं, बिल्कुल हाई फ्लेम पे बनाइएगा और इसको अच्छे से पूरा मिक्स करिएगा। उससे नूडल्स में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और नूडल्स बिल्कुल मार्केट के जैसे बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होंगी। तो नूडल्स हमारी बिल्कुल बन करके अच्छे से रेडी हो चुकी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बस आपको तैयारी इसको पहले से करके ही रखनी होती है। तो बस चलिए अब इसे सर्व करते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। आपके घर में बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल मार्केट स्टाइल स्ट्रीट वाली एकदम बाजार वाली ठेले वाली नूडल्स बनकर के रेडी हो चुकी है। आप एक बार अपने घर में जरूर बना करके ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको टेस्ट बेहद पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और नूडल्स तो सभी की फेवरेट होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने रिव्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू।